देखिए सबसे पहले तो मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व है कि फिरोजाबाद में जितने भी CBSE के स्कूल्स हैं उसमें केवल हमारा स्कूल के स्कॉलर हैपर सीनियर सेकेंडरी स्कूल को NCC से नवाजा गया है। यहाँ पर बहुत मुश्किल से सिलेक्शंस होते हैं एंड मुझे बहुत गर्व है ये बताते हुए कि मुझे जूनियर विंग में भी सीट्स मिली हुई हैं और अब हमारी परफॉर्मेंस को देखते हुए सीनियर विंग में भी मुझे काफ़ी सीट्स अलॉट हुई हैं और इसका बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन मुझे देखने को मिला है। ये हम सभी लोग जानते हैं कि आज अगर हमारा देश या आम जनता जितनी सुकून से बैठी हुई है उसमें कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रहरियों का बहुत बड़ा योगदान रहता है और ऐसे ही युवा बच्चे मैं अपने स्कूल से तैयार कर रही हूँ। पिछले 10 दिनों से इन लोगों ने आगरा में ब्रिगेडियर मिस्टर रावत एंड कर्नल पचौरी की सुपरविजन में 10 दिन का कैंप अटेंड किया जिसमें फायरिंग, शूटिंग, ड्रिल और बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो बहुत मुश्किल होती हैं नॉर्मल बच्चों के लिए, इन्होंने दिन रात एक करके उन सारी एक्टिविटीज़ में पार्ट लिया। बहुत सारे दूसरे स्कूल्स के आगरा रीजन के बच्चों ने भी भाग लिया उसमें और सबसे खुशी की बात यह है कि इसमें मेरे स्कूल के जितने भी NCC के कैडेट्स थे everyone got the prize, सभी को प्राइजेस मिले हैं। 23 गोल्ड मेडल, 10 सिल्वर मेडल्स एंड 4 शील्ड और प्लस बेस्ट ANO रीना मैम को बताया गया, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा ग्रेट अचीवमेंट था। ये इस बात को साबित करता है कि जितना भी बच्चों ने मेहनत किया है वो मेहनत रंग लाई है। आगे फिर 14 जुलाई को ये लोग फिर से दूसरा कैंप अटेंड करने जा रहे हैं और इनका श्रेय सारा मैं स्कूल के प्रबंधन को और स्पेशली जो ANO रीना शर्मा हैं और शिवम चौहान को देना चाहती हूँ। इस और सबसे बड़ी बात इनके पेरेंट्स को जिन्होंने इन बच्चों को इस कदर स्ट्रांग बनाया है, मजबूत बनाया है कि वो पढ़ाई के साथ साथ ऐसी गतिविधियों में भी अव्वल हैं, आगे हैं और आगे इनका भविष्य बहुत ही स्वर्णिम होगा। Cultural and civil.